सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे Realme की तरफ से आने वाला ईयरबड्स। तो हम इसके अंदर जानेंगे कि क्या क्या है, इसकी क्वालिटी कैसी है और इसका साउंड क्वालिटी कैसा है और इससे आपको क्या दिक्कत हो सकता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो से बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करिए, साथ में अपने भाई को फॉलो भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों डब्बा खोल कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको डब्बे के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा Realme Buds Air Neo। ओके, तो जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं, इस डब्बे को हम खोलते हैं, तो यहाँ पर आपको आपका ईयरबड्स मिल जाएगा। ओके, साथ में यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा जो कि इसका भी पैसा लगा हुआ है, शायद 10 रुपया लगा होगा इसका भी। और यहाँ पर आपको एक कार्टून मिल जाएगा जिसके पीछे यहाँ पर आपको मिलेगा टिप्स। यह है टिप्स पेपर कि कैसे आपको अपना जो ईयरबड्स है वो यूज़ करना है, पेयर कैसे करना है, ओके, फैक्ट्री रिसेट कैसे करना है, ओके, और टच एरिया कहाँ पर है, ये सब कुछ इसके अंदर आपको पता चलेगा। ओके, साथ में यहाँ पर आपको माइक्रो USB टाइप चार्जिंग केबल मिलता है जिससे आप अपने ईयरबड्स को चार्ज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट गाइड यहाँ पर है कि आपको अपने ईयरबड्स को स्टार्ट कैसे करना है। ओके, ये है उसका गाइड, साथ में ये रहा खाली डब्बा। ओके, तो चलिए हम फटाफट इन सबको साइड करते हैं और सीधा बात करते हैं अपने ईयरबड्स की। ओके, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगा, और इसके ऊपर जो प्लास्टिक है तो इसे हम प्लास्टिक को हटा देते हैं। प्लास्टिक हटाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का आपका जो है वो दिखेगा। ये पावर बैंक, जी हाँ, ये एक पावर बैंक है जिसमें आप अपने ईयरबड्स को चार्ज कर सकते हैं। अपने पॉकेट में रखे रहिए और आपका ईयरबड्स जो है वो चार्ज होते रहेगा। यहाँ पर आपको ऊपर में बटन मिल जाएगा स्टार्ट ऑन ऑफ करने के लिए अपने पावर बैंक को, और यहाँ पर आपको पीछे मिल जाएगा डिज़ाइनड बाय Realme। ओके, और पीछे जाएंगे तो यहाँ पर आपको माइक्रो USB टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलेगा जहाँ से आप अपने इस ईयरबड को चार्ज करेंगे। ओके, अब चलिए हम इस डब्बे को खोलते हैं, इस पावर बैंक को खोलते हैं। तो यहाँ पर ये खुल जाएगा, तो यहाँ पर आपका दोनों जो ईयरबड है वो रहेगा। तो ये मैग्नेटिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हल्का सा ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिक ये चिपक जाता है आपस में जाकर, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में। इसका साउंड जो है, देखिए यहाँ पर साउंड बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं ईयरबड्स की, तो ईयरबड्स में भी आपको मैग्नेट मिलेगा, ऐसे आप रखेंगे तो ये जो है चिपक जाता है जाकर, और इसके अंदर चार्ज भी होता है। ओके, तो सिंपली आपको इसे निकालना है और अपने मोबाइल से इसे पेयर करना होगा। तो पेयर करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, अगर आप इस पर अलग से एक वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो बनाकर दिखा दूंगा, क्योंकि पेयर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ओके, तो जैसे ही आप इसे पेयर कर लेंगे एक बार तो बाद में ऑटोमेटिक जो है ये पेयर हो जाता है। जैसे आप अपने पावर बैंक में रखेंगे वो वैसे ही जो है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही इसे निकालेंगे वैसे ही कनेक्ट हो जाएगा। ये तो ये काफ़ी मतलब कि बेस्ट चीज़ है कि तुरंत, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है और तुरंत जो है वो कनेक्ट हो जाता है। और इसकी बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 17 घंटा का प्लेबैक मिलता है, आप 17 घंटा इसे लगातार जो है वो सुन सकते हैं। ओके, सुन सकते हैं गाना वगैरह कहीं पर, मतलब कि जा सकते हैं, और ख़त्म होता है तो तुरंत अपने पावर बैंक में डालिए और तुरंत चार्ज हो जाएगा और फिर 17 घंटा का प्लेबैक आपको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर रहा आपको ये देख सकते हैं कि पीछे अगर हम देखते हैं, बात करते हैं इसके, तो यहाँ पर आपको चार्जिंग का यहाँ पर दो मिल जाता है, और आपको एक माइक मिलता है बीच में, दोनों में आपको माइक मिलता है, और दोनों में आपको टच मिलेगा, यहाँ पर टच मिलेगा जहाँ से आप पॉज प्ले कर सकते हैं गाना को, या फिर अगर आप नेक्स्ट वगैरह करना चाहें तो नेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल रिसीव करना चाहें तो बस यहाँ पर आपको टच करना है। यहाँ पर इसका टच एरिया है दोनों में, तो टच वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसकी साउंड की बात करें तो साउंड बहुत ही बेस्ट है, जी हाँ, मैंने इसे पहले सुन चुका है, तो काफ़ी मतलब कि बहुत ही बढ़िया साउंड देता है, बेस ट्रेबल बहुत ही लिमिट में देता है, जिससे कि आपको मतलब कि ज़्यादा इरिटेट नहीं होंगे, मतलब कि अच्छा सा मीठा सा साउंड देता है जो कि सुनते सुनते मतलब कि आपका मन नहीं भरेगा इससे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर आपको एक
मतलब कि खामी दिखेगी, जो कि अगर आप इसे ज़्यादा देर कान में लगाए रखेंगे तो आपका जो कान है वो दर्द करने लगेगा। जी हाँ, कान जो वो दर्द करने लगता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में शायद दर्द करता होगा, मेरे को तो फर्स्ट टाइम मैंने ये लिया है तो मैंने सुना एक दो घंटा तो मेरा कान जो वो दर्द करने लगा था, लेकिन लगातार सुनने से शायद मतलब कि आदत हो जाएगा तो नहीं दर्द करेगा, है ना। तो बहुत ही बेस्ट चीज़ है, इसकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ बेस्ट है, और तुरंत मतलब कि बैटरी क्वालिटी मतलब बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा देता है। तो ट्राई कीजिए, आपको ये ईयरबड्स मिले 2199 अमेजोन पर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इस ईयरबड्स को परचेस करना चाहते हैं तो लिंक से जाएंगे तो आपको सस्ता में पड़ेगा, तो जाइए और देख लीजिए अगर आप खरीदना चाहते हैं कुछ इस टाइप का ईयरबड्स तो। ओके दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।